हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू अपडेट लेकर आए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का तहत आपका अपडेट रहने वाला है। आप सभी को मैं सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आप काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं कि सर हरियाणा रोडवेज की जो कंडक्टर की भर्ती है वो कब शुरू होने वाली है, उसके लिए कंडक्टरी का लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए, इसको लेकर मेरे पास में इतने बच्चों के मैसेज कॉमेंट आ रहे हैं। सभी भाई बहनों को एकदम करेक्ट हम नॉलेज देंगे, 100% सटीक जानकारी, विश्वसनीय जानकारी देंगे। और ये भर्ती आपको कब से शुरू होगी और किस प्रकार से फॉर्म भरना पड़ेगा, 22 जिलों में ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कौन कौन से जिलों में ये भर्ती आएगी, और दूसरे जिले जो बाहर के जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं अदर स्टेट से, वो भी अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनके भी डाउट्स रहते हैं कि सर हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो फॉर्म होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको एक एक पॉइंट डिटेल से बताया जाएगा। अभी तक आपने हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखा तो भाई और बहनों गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाली हर अपडेट आपको सीधी मिलती रहेगी, क्योंकि आने वाली जो भी अपडेट्स होती हैं, जैसे कि कोई भी डीसी रेट जॉब आती है, कोई भी कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती आती है, आपको सबसे पहले सबसे फास्ट गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सभी भाई और बहन गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और साथ में अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर सारे अपडेट 24 आवर्स आपको देखने को मिलते रहते हैं। अगर कोई भी भाई और बहन अपना इच्छुक उम्मीदवार है अपना जाके ऐड हो सकता है, 24 आवर्स वहां पर नए नए अपडेट्स आपको ऑफिशियल देखने को मिलेंगे, और किसी भी टाइप कुछ भी आपको अपडेट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो आइए मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं, पूरा डिटेल से बताता हूं कि हरियाणा रोडवेज की जो कंडक्टर की भर्ती है वो किस प्रकार से होने वाली है, कब से होने वाली है, क्या एस्टिमेट लगाया जा रहा है, उसकी डेट क्या फिक्स कर दी गई है, 22 जिलों में यह भर्ती आई है, कम जिलों के अंदर यह भर्ती आई है, किस प्रकार से आपका पूरा प्रोसेस रहने वाला है। 100% ये पक्की नौकरी है, इसमें आपको कोई भी कोताही की भर्ती नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब रहेगी, सभी बच्चों को जॉब मिलेगी, परंतु ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब रहेगी। अगर कोई इच्छुक उम्मीदवार लगना चाह रहा है तो अपना फॉर्म भर सकता है, और ये भर्ती कब से शुरू होगी, किस प्रकार से होगी, आपको पूरी डिटेल्स देंगे, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा ये अपडेट हम आप सभी के लिए ऑफिशियल निकाल कर लेकर आए हैं HKRN के तहत, जिसके अंदर क्या लिखा गया है कि आपकी जो पोस्ट है उसकी डिटेल डाल दी गई है, कंडक्टर की जो भर्ती है वो 1190 पदों पर होने की पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है कि 1190 पद है उनके ऊपर कंडक्टर की भर्ती करवाई जाएगी, जिसके अंदर 10वीं पास तो होना अनिवार्य है, प्लस में आपका लिख दिया कि कंडक्टरी का लाइसेंस होना भी अनिवार्य है। जिस भी स्टूडेंट के अभी तक मैसेज आ रहे थे सर मेरे पास में कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है, मैं 10वीं 12वीं पास हूं, ग्रेजुएट पास हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं, उसके लिए मैं बताना चाहूंगा सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ-साफ दिख रहा होगा कंडक्टर के लिए 1190 पोस्टें आई हैं, 10वीं पास प्लस में कंडक्टरी का लाइसेंस अनिवार्य है योग्यता में। अगर आपके पास में कंडक्टरी का लाइसेंस नहीं है तो अपना बनवा लो, अभी भी आपके पास में टाइम है, क्योंकि यह भर्ती मंथ के एंड तक शुरू होगी। अगर आपको भर्ती में लगना है, अगर आपको कंडक्टरी का फॉर्म भरना है तो मात्र 1 से 10 दिन में आपका जो कंडक्टरी का लाइसेंस है, मात्र 10 दिन में आपका जो भर्ती का लाइसेंस होगा वो बनकर तैयार हो जाएगा। 7 डेज की तो आपकी फर्स्ट एड की क्लास होती है रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर, आप सभी को पता है, उसके बाद में मात्र आपने डॉक्यूमेंट वगैरह लगा देंगे तो अच्छे से सारी चीजें लगाने के बाद 2 से 3 दिन में आपका कंडक्टरी का लाइसेंस है वो बनकर तैयार हो जाएगा। मात्र 10 दिन का प्रोसेस होता है लाइसेंस बनवाने का, अगर कोई भी स्टूडेंट बनवाना चाह रहा है बिल्कुल आराम से बनवा सकता है। अगर कंडक्टरी का लाइसेंस आपके पास में नहीं होगा तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओनली ये हरियाणा वालों के लिए भर्ती है, कोई भी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकता है, क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, बाकी बच्चे भी मैसेज करते रहते हैं सर मैं MP से बिलोंग करता हूं, UP से करता हूं, राजस्थान से करता हूं, क्या मेरा फॉर्म अप्लाई होगा। भाई और बहनों, आपका फॉर्म हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अप्लाई नहीं होगा, बाकी पोस्टों में जैसे कि हमारा HSSC विभाग होता है, हरियाणा सिलेक्शन जो स्टाफ बना रखा हम सभी ने, हमारी गवर्नमेंट ने, तो उसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपका हो जाएगा, परंतु HKRN में आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये भर्ती ओनली हरियाणा वासियों के लिए आई है, 1190 के जो कंडक्टर के स्टूडेंट लगने चाह रहे हैं बिल्कुल आराम से लग सकते हैं। इस भर्ती में आपकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें साफ साफ लिख जाएगा कि भर्ती की जो कंडक्टर की भर्ती की चयन प्रक्रिया है उसमें मार्क, सामाजिक आर्थिक मापदंड, आयु आदि सहित विभिन्न कारणों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करना होगा, HKRN को प्रक्रिया होगी, दस्तावेज आपके चेक होंगे और आपका मेडिकल किया जाएगा, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे,
और जो आपके नंबर मिलते हैं, मार्क्स जो आपको जो सामाजिक आर्थिक मार्क्स होते हैं, मापदंड वगैरह, उन सब के जो भी नंबर मिलते हैं वो आपको दिए जाएंगे। और कंडक्टर की भर्ती के लिए आवेदन आपको पता है वो तो सेम सारा प्रोसेस रहता है, आज के आरएन की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। परंतु मेरे भाई और बहन, हमें स्टिक जानकारी मिल पा रही है कि आपकी जो भर्ती की स्टार्टिंग है वो 30 तारीख के लगभग शुरू हो सकती है। अगर कोई भी हरियाणा का कंडक्टर का फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें जो फीस लगती थी सेम वही फीस लगेगी, 236 रुपये फीस लगेगी। परंतु कोई भी उम्मीदवार अप्लाई करेगा तो अपना अप्लाई कर सकता है, कंडक्टर का लाइसेंस है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, नहीं है तो बनवा लीजिए अगर आपको कंडक्टर की जॉब चाहिए। तो आपको इसी प्रकार से जो भी अपडेट्स आते हैं कंटिन्यू आपको बताए जाते हैं। और आने वाली 30 तारीख तक आपके, मैं बताना चाहूंगा कि कंडक्टर की भर्ती है वो शुरू हो जाएगी। हमारे चैनल पर 100% विश्वसनीय जानकारी, स्टिक जानकारी आपको देखने को मिलती रहती है, कोई भी जानकारी आती है आपको सबसे पहले मिलती रहती है। तो हरियाणा में कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी डिसीरेट जॉब आएगी, किसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आएगी, सीधी सभी भाई और बहनों को इसी टाइप से देखने मिलेगी। कोई भी कंडक्टर की भर्ती आती है, कोई भी कोर्ट के अंदर डिसीरेट जॉब आती है, बिजली विभाग में आती है, जल विभाग के अंदर आती है, आपके हेल्थ विभाग के अंदर आती है, आपके गांव के अंदर जो हॉस्पिटल होते हैं, पशु हॉस्पिटल हो गया, हेल्थ विभाग के हॉस्पिटल हो गए, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको डिसीरेट जॉब आएगी सबसे पहले सबसे फास्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की यूनिट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाली हर अपडेट आपको सीधी मिलती रहेगी। और आपके हरियाणा के कौशल रोजगार निगम के जो भर्ती के फॉर्म है वो कब तक आपको मिल सकते हैं, जो कौशल रोजगार निगम के भर्ती के फॉर्म तो मैंने बता दिया 30 तारीख के लगभग आपको मिल जाएंगे। साथ में सबसे बड़ा बवाल तो ये मचा होता है कि सर पीएन के जो हमने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, एमटीएस के जो हमने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हमने अप्लाई कर रखे हैं, कुक की पोस्टों के लिए हमने अप्लाई कर रखे हैं, बाकी भी जो पोस्टें आई थी पीछे बहुत ज्यादा पोस्टें आ चुकी थी, तो उसके जो हमने फॉर्म लगाए थे अभी तक हमें ऑफर लेटर नहीं मिल पा रहे, किन बच्चों का सिलेक्शन होता है इसके अंदर हमें पूरा डिटेल से जानकारी दीजिए। भाई और बहनों, मैंने आपको सभी को बता रखा है कि अत्योदय परिवार योजना का जिसके पास में भी कार्ड है, जिस भी फैमिली ने कार्ड बनवा रखा है, उन बच्चों को मिलते हैं 50 नंबर तो प्लस में, और जिसकी इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपकी 1,80,000 है या उससे नीचे है तो 40 नंबर सीधे ये मिल जाते हैं, इन परिवारों को 90 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो अगर आप ये दोनों चीजें आपके पास में नहीं है, अत्योदय परिवार योजना का कार्ड नहीं है, 1,80,000 इनकम सर्टिफिकेट आपकी उससे ऊपर है तो आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे, तो इन बच्चों का सबसे पहले सिलेक्शन होता है। अत्योदय परिवार योजना का जितना भी कार्ड वाले स्टूडेंट है उनको इसमें सबसे पहले फॉर्मेलिटी दी जाती है और उनको सबसे पहले इसमें सिलेक्शन मिलता है। तो अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा पीएन वालों के ऑफर लेटर नहीं आए हैं, आप सभी वेट कीजिए। सबसे ज्यादा फॉर्म है आज के दिन हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पीएन की पोस्टों के लिए अप्लाई हुए थे, और जो भी भर्ती आएगी, जो भी पीएन के ऑफर लेटर आएंगे, सीधी जानकारी आपको मिल जाएगी। एस्टीमेट लगाया जा रहा है कि आपके जो आने वाला वीक है इसी वीक के अंदर अंदर आप सभी को ऑफर लेटर मिल जाए, क्योंकि अभी तक तो आपके कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि ऑफर लेटर कब आएंगे, परंतु एक स्ट्रिक्ट जानकारी के साथ में नॉलेज मिल पा रही है कि आपके आने वाले वीक के अंदर आपके ऑफर लेटर है आप सभी को देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्ट्रिक्ट जानकारी थी कि कंडक्टर का लाइसेंस है तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। सभी मैसेज कर रहे थे, उन सभी के डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। और किसी भाई और बहन को आपके गांव, आपके जिले, आपके वहां पर कोई भी डिसीरेट जॉब आती है, अगर आप खुद भी मैसेज करके पूछना चाह रहे हैं सर हमारे यहां पर कोई डिसीरेट जॉब आ रखी है तो हमें बता दीजिए, तो हम बता देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो आप सभी कहीं से भी, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, चंडीगढ़ से करते हो, पूरे हरियाणा में कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप कभी भी आप हमें मैसेज करके किसी भी बारे में पूछ सकते हैं कि सर कोई नॉलेज आ रखी है, कोई भर्ती आ रखी है तो आप हमें बता दीजिए, तो आपको सारी जानकारी दी जाएगी, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। अगर आप नौकरी की तलाश में घूम रहे तो 1 से 1.5 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, कोई भी भर्ती आएगी सीधी जानकारी आपको गवर्नमेंट जॉब्स की यूनिट पर देखने को मिलेगी। तो अभी तक जिसने भी गवर्नमेंट जॉब्स की यूनिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो गवर्नमेंट जॉब्स की यूनिट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई गुरुबहनों वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो जो भी लेकर आएंगे आपके लिए इसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपको सीधी नोटिफिकेशन इसी प्रकार से देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।